साथ एक बार फिर से आपका स्वागत है। बात उत्तर प्रदेश की करते हैं, जहां झांसी में एक बार फिर बाबा के बुलडोजर की दहाड़ सुनाई दी है। दरअसल करोड़ों की जमीन पर कुछ लोगों ने कब्जा जमा रखा था। जी हां, और उसके बाद नगर निगम की टीम बुलडोजर लेकर के वहां पर मौके पर पहुंची, और उसके बाद क्या कुछ हुआ डिटेल रिपोर्ट देखिए। यूपी में भू माफियाओं के खिलाफ योगी सरकार का पीला पंजा लगातार दहाड़ रहा है। अवैध अतिक्रमण के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। तस्वीरें यूपी के झांसी की हैं, जहां करोड़ों की जमीन को बुलडोजर एक्शन के जरिए कब्जा मुक्त करवाया गया। न्यायालय में पिछले 20 सालों से केस चल रहा था, स्टे था। नगर निगम की जमीन थी ऑलरेडी पहले से ही, लेकिन पहले कुछ कारणों से यहां पर स्टे दे दिया गया था। फिर नगर निगम में काफ़ी प्रभावी तरीके से इसको न्यायालय में अपना पक्ष रखा, तो माननीय न्यायालय से अब इसका स्टे हट गया 20 साल बाद। अभी इसका 3-4 दिन पहले ही निर्णय आया था, तो उसी इस निर्णय को ध्यान में रखते हुए नगर निगम यहाँ जो भी जमीन है उसकी है, उसको अपने पोजेशन में ले रहा है। दरअसल आतिया तालाब से सटी लगभग 4.25 हेक्टेयर जमीन पर भू माफियाओं ने कब्जा कर रखा था। नगर निगम ने कई बार नोटिस दिया, लेकिन अवैध कब्जों को हटाया नहीं गया, जिसके बाद नगर निगम ने कोर्ट से जमीन को खाली कराने का आदेश लेकर बुलडोजर चलवा दिया। बहुत तेजी से अभी स्मार्ट सिटी भी काम करवाएगी, जिससे यहाँ के जो लोकल लोग हैं उनको पार्क वगैरह इन सब की सुविधा मिल सके। यहाँ जो गंदगी रहती थी उससे भी उसको छुटकारा मिलेगा, तो यहाँ के लोगों के लिए भी काफी एक अच्छा प्रोजेक्ट होगा। प्रशासन का कहना है कि आगे भी इस तरह का एक्शन देखने को मिलेगा।